गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपको जो हम वीडियो बना रहे हैं वो समझ में आ रही हैं। तो आज हम फिर करने जा रहे हैं वही कक्षा चार का ईवीएस का पाठ दो, जिसका नाम है नेहा का जन्मदिन। ठीक है, हम इसके दो या तीन पेज कर चुके हैं और जो उससे आगे है हमारा सब टॉपिक छू कर जानना। हम इसमें ज्ञानेंद्रियों के बारे में सीख रहे हैं। हमने जैसे पहले पढ़ा था आँखों के बारे में, हमने नाक के बारे में सुना भी है और पढ़ा भी है, कानों के बारे में हमारा हो गया था। आज जो है हमारा वो है छू कर जानना। ठीक है, तो ये हमारी ज्ञानेंद्रिया बनती है छू कर, यानी कि हमारी जो स्किन होती है त्वचा, उसके बारे में हम कर सकते हैं। और जैसे कुछ भी हम जैसे आँखों से देख कर और कानों से सुनकर, नाक से सूंघ कर और जीभ से चख कर, तो वही है हमारा छूकर अगला जो लास्ट टॉपिक है हमारा छूकर पहचानना। जिसे हम कोई भी गर्म चीज है या ठंडी चीज है उसको हम छूकर पहचान सकते हैं कि वह कैसी है। तो शुरू करें आज का लेसन। आज है जो छूकर जानना हमारा ये सब टॉपिक है, और इसके अंदर जो नेहा ने जन्मदिन की पार्टी दी थी तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे और नेहा ने सबको अच्छे से पार्टी दी, और उसमें पार्टी के बाद सबको एक एक रसगुल्ला दिया। क्या दिया? रसगुल्ला। और सबने चक्कर बताया कि यह बहुत मीठा है। तो चक्कर उसने जब बताया तो कौन सी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग किया? हाँ, जीभ का। ठीक है, तो चक्कर बताना जीभ से होता है। और इसके बाद जो क्या किया उन्होंने, नेहा ने प्रत्येक बच्चे को एक एक उपहार दिया। क्या दिया? उपहार दिया। और उस उपहार में जो गिफ्ट बच्चों को दिए उसमें दी उन्होंने बजने वाली गेंद। क्या दी? बजने वाली गेंद। तो जब उन्होंने गेंद दी और जैसे ही उसको सोनू ने उछाला तो विनय भैया जो देख नहीं सकते थे उन्होंने बोला यह तो बजने वाली कोई वस्तु है। तभी उसने कहा कि हाँ, सोनू ने कहा यह बजने वाली वस्तु एक गेंद है, और विनय क्या कहता है कि आप इसको कहीं भी उछालो मैं इसकी आवाज़ को सुनकर, क्या आवाज़ को सुनकर यानी कि कानों से सुनकर मैं इसको कैच कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। तो जैसे ही सोनू ने उस गेंद को ऊपर उछाला तो विनय भैया ने उसको तपाक से पकड़ लिया। तो कौन सी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग किया उसने? कान का। वेरी गुड। उसके बाद क्या होता है, विनय ने नेहा को गेंद देने के लिए धन्यवाद कहा। उसके बाद क्या होता है, नेहा ने ज्योति से कहा आओ यह पैकेट खोलें। जो नेहा को जन्मदिन के ऊपर उपहार मिले थे उन्होंने पैकेट को खोलना शुरू किया। तो जैसे ही उन्होंने खोला विनय भैया बोले कि चलो मैं भी आपकी मदद कर दूं। तो वो तीनों अपने गिफ्ट को खोलने लगे, और जैसे ही उन्होंने गिफ्ट को खोला विनय भैया बोला कि यह लो नेहा, तुम्हारे लिए एक पुस्तक है। क्या है? एक पुस्तक है। और विनय ने उस पुस्तक को कैसे पहचाना? हाँ, कैसे पहचाना? छूकर। तो विनय भैया आपको पता है वो देख नहीं सकते, तो इसमें कोई बात नहीं अगर देख नहीं सकते, और ज्ञानेंद्रियां हैं उनके पास। ठीक है, उनसे वो अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते हैं। तो उन्होंने छूकर बता दिया कि यह तो पुस्तक है। ठीक है, तो आज का जो ये टॉपिक था यह हमारा खत्म होता है। उसके बाद आपके यहाँ बुक में एक एक्सरसाइज दी गई है, चीज़ों के नाम दिए गए हैं, उनमें आपको पांचों की पांच ज्ञानेंद्रियों का पता करना है कि इस चीज़ को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसको हम छूकर, सुनकर, चखकर, सूंघकर या देखकर पहचान सकते हैं। उनमें से कुछ है जैसे मैं पढ़ देता हूँ, आपने वो एक्सरसाइज करनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बता देता हूँ, जो मिर्च होती है, क्या होती है? मिर्च होती है, हमने उसके बारे में बताना है कि हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, कि यह मिर्च है। हम इसको दो तरह से पहचान सकते हैं,
हम इसको छूकर भी पहचान सकते हैं और हम इसको चखकर, है ना, जीभ के द्वारा इसको चखकर भी पहचान सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सी एक्सरसाइज दी गई है, जैसे नींबू है, पत्थर है, कपड़ा है, गुलाब है, ठीक है, और बादल गरज रहे हैं, ठीक है, आम कच्चा है या पका हुआ है। इस प्रकार आप भी अपनी रसोई में जाकर देखो और उन चीज़ों को कोशिश करो कि आप उनको चख कर पहचान सकते हैं या उनको देख कर भी पहचान सकते हैं इनका क्या नाम है, ठीक है। तो आपने 500 ज्ञान इंद्रियों के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम अगले टॉपिक के लिए कल मिलते हैं। बाय बाय।